ये चीज सर की बहुत अच्छी लगी कि सर ने बोला कि पहले आप आओ, दो दिन आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, डेमो क्लास दी जाएगी, उसके बाद अगर आपको समझ में आता है तो आप तीसरे दिन जाके फीस जमा करना। तो ये चीज सर की बहुत अच्छी लगी कि पहले, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से काम कर रहा हूँ मोबाइल रिपेयरिंग का, 8 से 10 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे शहर में काफी अच्छा काम करता हूँ मैं, बट मुझे कुछ कमियां महसूस होती थी। तो मैं यही सोच कर आया था कि जो सर की फीस है, जो भी सर ने फीस रखी है, तो सबसे पहले मैं सर से जाके मिलता हूँ, दो दिन की सर की क्लास लूंगा, उसके बाद मुझे अपने हिसाब से अगर समझ में आता है तो ही मैं सर से सीखूं। पर जब मैं दो दिन यहाँ सर ने दो दिन की क्लास ली, उसमें ही बहुत ही कुछ सीखने को मुझे मिला, और दो दिन की क्लास लेके ही लगभग मैं 20% से 30% तो दो दिन की क्लास में ही मुझे मिल गया था। फिर इसके बाद तीसरे दिन और भी मुझे अच्छा। तो यहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? सर मोहन चक्रवर्ती मेरा नाम है और एमपी से ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट लाइसेंस। आप बताइए कि आप इतनी दूर से एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? हिंदुस्तान में इतने इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपने से मुझे क्यों चुना, एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? सर आपको मैंने इसलिए चुना सर कि जब मैंने यूट्यूब पर वीडियो आपके देखे, आपके बारे में मैंने पता करा और यूट्यूब पर भी वीडियो देखे, जो भी यहाँ के एशिया टेलीकॉम जो मैंने यहाँ पर वीडियो यूट्यूब पर देखे, तो जो लड़के कहते थे कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन, तो लड़के बोलते थे एशिया टेलीकॉम, मतलब जो कॉन्फिडेंस के साथ जो लड़के बोलते थे, तो मैंने आपको नहीं सर, जो आपके जो स्टूडेंट थे मैंने उनका कॉन्फिडेंस देखा, तो वो कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम। तो मैंने बहुत सारे, पहले तो मुझे आपके बारे में जानकारी नहीं थी, पर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, सब में मुझे यही मिला, तो मुझे सर लगा कि वास्तव में जो सर के स्टूडेंट हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं इंडिया के नंबर वन इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, तो मुझे भी लगा कि मुझे सर के पास जाना चाहिए और सर से जो है मुझे सीखना चाहिए। सो आप मुझे बताइए कि एक बस एक सवाल और पूछूंगा कि पहले दिन और अब में क्या फर्क है आपके सर, में? पहले दिन में और अब में बहुत फर्क है, पर क्योंकि अभी आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टोटल कंप्लीट हो चुका है, कल आपकी फेयरवेल की क्लास है, मैं ये वीडियो तब नहीं बना रहा जब आप आए हैं, आपके दिन कुछ क्लासेस बची है, सारी क्लासेस हमारी हो चुकी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ कि पहले दिन अब आप क्या फील करते थे एज अ टेक्नीशियन और अब आप क्या फील करते हैं? सर पहले दिन जब मैं आया, जब मैं क्लास में नहीं आया था, तो पहले दिन मेरे अंदर बहुत से सवाल उठ रहे थे, जब मैं अपने अपने शहर से ही निकला था तो मेरे दिल में पता नहीं क्या क्या सवाल उठ रहे थे कि सर फीस 20,000 रुपए ले रहे हैं, पर ये चीज सर की बहुत अच्छी लगी कि सर ने बोला कि पहले आप आओ, दो दिन आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, डेमो क्लास दी जाएगी, उसके बाद अगर आपको समझ में आता है तो आप तीसरे दिन जाके फीस जमा करना। तो ये चीज सर की बहुत अच्छी लगी कि पहले, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से काम कर रहा हूँ मोबाइल रिपेयरिंग का, 8 से 10 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे शहर में काफी अच्छा काम करता हूँ मैं, बट मुझे कुछ कमियां महसूस होती थी। तो मैं यही सोच कर आया था कि जो सर की फीस है, जो भी सर ने फीस रखी है, तो सबसे पहले मैं सर से जाके मिलता हूँ, दो दिन की सर की क्लास लूंगा, उसके बाद मुझे अपने हिसाब से अगर समझ में आता है तो ही मैं सर से सीखूं। पर जब मैं दो दिन यहाँ सर ने दो दिन की क्लास ली, उसमें ही बहुत ही कुछ सीखने को मुझे मिला, और दो दिन की क्लास लेके ही लगभग मैं 20% से 30% तो दो दिन की क्लास में ही मुझे मिल गया था। फिर इसके बाद तीसरे दिन और भी मुझे अच्छा। एक आखिरी सवाल आपसे सिर्फ ये कि जैसे कि आपने पहले भी आपने सीखा होगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी स्टूडेंट, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते होंगे, मैं नहीं बोलता कि जबलपुर आओ मेरे पास आओ, किसी भी इंस्टीट्यूट को चुनते समय किसी स्टूडेंट को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि वो फंस ना जाए बेचारा, उसके पैसे बर्बाद ना हो, उसका कैरियर बर्बाद ना हो? सर उसके लिए तो सर ऐसा है कि सबसे अच्छा तो हम अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को हम चुनते हैं तो सबसे अच्छा तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में यही जानकारी, उसके रिव्यू जो है ना, इंस्टीट्यूट के जो भी स्टूडेंट हमारे कमेंट वीडियो जो हमारे यूट्यूब पर देखते हैं, तो उनके कमेंट जो रिव्यू हमें जो मिलते हैं उनके आधार पर, मैंने सर के वीडियो देखे, उनके रिव्यू देखे कि बहुत ही अच्छे कमेंट सर के वीडियो पर मिल रहे हैं, तो मैं उसी आधार पर यहाँ आया सर। तो मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है तो पहले उनका आउटपुट, मतलब उनके स्टूडेंट, उनके स्टूडेंटों को देखना चाहिए सर। बिल्कुल, उनके स्टूडेंटों से हमें ये मिलता है कि भाई आपने क्या सीखा, हम उनसे संपर्क करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि हमें क्या सिखाया गया एशिया टेलीकॉम में। चलिए ठीक है मोहन, आप इतनी दूर से आए और बस एशिया टेलीकॉम, मैं देवदन अग्रवाल बस यही चाहूंगा कि आप अपने जीवन में अब बहुत तरक्की करें और अपने क्षेत्र नहीं, अपने जिले और अपने स्टेट और एक इंडिया लेवल पे बड़े टेक्नीशियन बन के निकले, बाद में ही आपसे गुजारिश करता हूँ और हार्ड वर्क करें। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। तो आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम का चैनल, दोस्तों ने EMC का नया क्लास चालू किया है, आप इसमें आ सकते हैं, आप इस नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
दोस्तों ईएमसी के हमारे नए क्लास में केवल 5 स्टूडेंट को रखा जाएगा, और अगर आपको आईसीए निकालना नहीं आती, अगर आपको आईसीए रिबॉल करना नहीं आती, अगर आपको पेस्टेड आईसीए निकालना नहीं आती, अगर आपको सीपीयू बदलने नहीं आते, ड्यूअल सीपीयू अगर आपको निकालना नहीं आता, आपके पास डैड फोन आते हैं और डैड फोन आप बना नहीं पाते क्योंकि आईसीओ का काम आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको डैड बोर्ड रिपेयर करना नहीं आ रहा है, अगर आपने आपके पास कोई फोन आया है जो फ्लैश नहीं हो पा रहा है, जो लोगो पे अटका हुआ है, या सैमसंग का कोई फोन आया हुआ है जो आपको बता तो रहा है कि वो डैड हो चुका है बट वो डाउनलोड मोड पे नहीं आता है, या कोई भी रीजन है, आप यहाँ आइए, हम आपको सिखाएंगे बेहतर तरीके से उसकी हम ईएमसी आईसी कैसे चेंज करके आप दूसरी कौन सी ईएमसी आईसी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ईएमसी आईसी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम ये आपको बताएंगे किसी भी साइट से आप ईएमसी आईसी निकाल कर आप अगर कंपनी भी चेंज करना चाहें ईएमसी आईसी के नंबर के हिसाब से तो आप कैसे उसको चेंज करें और उस अपने काम को आप सक्सेसफुली आप पूरा करें। तो दोस्तों ईएमसी अपग्रेड की बात करूँ या फिर ईएमसी यहाँ पर डैडबोर्ड रिपेयर की बात करूं तो आप यहां पर आ सकते हैं। कोर्स की फीस हमारी काफी कम है, अगर आपको कोर्स की फीस जाननी है तो आप हमें, अगर आपको कोर्स की फीस जानना है तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कॉल नहीं उठा रहा है तो आप एसएमएस कर सकते हैं, लिखिए ईएमसी डिटेल करके बस एसएमएस डाल दीजिए तो आपको कॉल हमारी तरफ से चला जाएगा। तो दोस्तों आप यहां आ सकते हैं, यहां पे हॉस्टल की सुविधा आपको दी जाएगी, यहां पर आपको रहने की सुविधा दी जाएगी। 10 दिन का कोर्स होगा और 11 बजे से तकरीबन 7-8 बजे तक की क्लास होगी और डेली यहां पर सब प्रैक्टिकल है, कुछ भी आपको कॉपी किताब पेन कुछ नहीं लाना है। तो ये सारी चीजें के लिए आप यहां पर आ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपको कंपोनेंट का नॉलेज, आपको ट्रेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको कंपोनेंट ट्रेसिंग या इसका नॉलेज नहीं है तो आप हमारा एक महीने वाला कोर्स अटेंड कीजिए जहां पर मैं आपको टोटल कंपोनेंट की नॉलेज बेसिक से लेकर एडवांस आईफोन लेवल तक मैं आपको ट्रेसिंग सिखाऊंगा, जिसमें बिना सर्किट डायग्राम के कैसे उसको ट्रेस किया जाता है, तो वो सारी चीजें आप सीखेंगे यहां पर, जो हमारा हर महीने का 28 तारीख का बैच लगता है उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग नहीं आती है, अगर आपको सीपीयू पहचानने नहीं आते हैं, अगर आपको टूल्स नहीं पता, अगर आपको ड्राइवर डालते नहीं आते हैं, तो आप हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। पर अगर आप एक महीने की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूड रहता है, पर अलग से सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो उसकी हमारी हर महीने की 13 तारीख की क्लास होती है, आप उस सॉफ्टवेयर की क्लास में आ सकते हैं। वो 12-13 दिन की हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास होती है जो डेली से 5-6 घंटे की क्लास होती है, जिसमें हम आपको सारे मोबाइलों की फ्लैशिंग प्रैक्टिकल बताएंगे विद आपके साथ ही, खुद के आपके खुद के साथ ही करवाएंगे, और जिसमें सारे मोबाइल फोन के साथ में कौन सी फाइल यूज की जाती है, कौन कौन से मोबाइल में मोड यूज किए जाते हैं और किस मोड पे क्या काम होता है और कैसे ड्राइवर डाले जाते हैं, ड्राइवर कौन से आपको लेने चाहिए किसी मोबाइल फोन में फ्लैशिंग के बाद, एफआरपी के बाद, या आप उसका बेसबैंड रिपेयर कर रहे हैं या उसका नेटवर्क रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, अगर फ्लैशिंग के वक्त में जो एरर्स आते हैं उस पर आप कैसे उसको हटा सकते हैं। तो अगर आपको फ्लैशिंग का कोर्स करना है तो आप हर महीने का हमारा 13 तारीख बैच लगता है, आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। यहां आइए, बेहतर तरीके से सीखिए और एक अच्छा टेक्नीशियन बनिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आप प्रोफेशनल कोर्स अटेंड कर रहे हैं, कोई स्कूल या कॉलेज नहीं कि पूरे साल भर से पढ़ते रहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बुक है, सेकेंड जो मेरी बुक है एसे टेलीकॉम की मोबाइल सॉफ्टवेयर बुक, ये लॉन्च हो चुकी है। पहले आपने देखा होगा इसका लॉन्चिंग का वीडियो मैंने डाला था जो कि प्रीमियर जैसा था, कि मैंने इसको बोला था कि ये 2-3 दिन हफ्ते में आ जाएगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो ये बुक को चाहते हैं और ये बुक को परचेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस बुक को परचेस करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक को जाके बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सिर्फ गूगल पर डालिए देवेंद्र अग्रवाल तो आपको मेरी बुक की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आप सिर्फ मेरा नाम जाके गूगल पर लिखिए तो आपको मेरी बुक का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको एक बुक का लिंक लेना है तो आप इस वीडियो के नीचे इस डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक का लिंक ले सकते हैं। आप इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है आप इसको परचेस कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट मैंने आपको नीचे लिंक में दे दी है। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, अपने सॉफ्टवेयर का ज्ञान बढ़ाइए, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा जो कि शायद ही आपको किसी इंस्टीट्यूट में भी सीखने को ना मिला हो। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एसे टेलीकॉम सर्च करें, ए
एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। I'm also 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.